देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। खबर मांडलगढ़ भीलवाड़ा से है। बजरी खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रोक के असर की असलियत अगर देखनी हो तो राजस्थान के भीलवाड़ा मुख्यालय पर उसके आसपास इस दृश्य को आसानी से देखा जा सकता है। जिस जिले में केवल कोटड़ी क्षेत्र में बनास नदी व कोठारी नदी से बजरी खनन की अनुमति है, लेकिन मांडलगढ़ तहसील के क्षेत्र के सीमा में धरले से बजरी का अवैध खनन हो रहा है। जिला प्रशासन व खनिज विभाग चुप्पी साधे हुए हैं। कागजों में केवल कोठड़ी की ही अनुमति है, असल में समूचे बनास नदी में दिन रात बजरी खनन हो रहा है। अवैध खनन की शिकायत के बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। बनास बचाओ समिति के कार्यकर्ता ने बताया कि जब जिम्मेदार ही बेपरवाह हो जाए तो जनता की समस्या किसे सुनाएंगे। कोटड़ी क्षेत्र के बनास व कोठड़ी नदी में बजरी खनन की स्वीकृत महेंद्र सिंह राजावत लीज धारक फर्म ने बजरी खनन हेतु स्वीकृति मिली है, परंतु नदी के एक हिस्से में कोटड़ी क्षेत्र तो दूसरे हिस्से में मांडलगढ़ क्षेत्र में, परंतु जैसे भी LNT उच्च क्षमता युक्त मशीनों द्वारा धरले से बजरी माफरी का खनन दिन रात किया जा रहा है, जिससे नदी का सौंदर्यीकरण बिगड़ रहा है। 9 से 10 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं। ऐसे में जिम्मेदार जल संसाधन विभाग भीलवाड़ा के अधिकारी ने अपनी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, जिसे निरंतर नदी के सौंदर्यीकरण बिगड़ने के साथ साथ बनास नदी व बहाव क्षेत्र में भी लगातार अवैध खनन से प्रभावित हो चुके हैं। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से प्रदीप वैष्णव की रिपोर्ट। मेवाड़ की गंगा कहलाने वाली बनास नदी इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है, तो ऐसे में अवैध रूप से बजरी खनन हो रहा है, जिसमें 6 से 7 फीट के अधिक से गहरे खड्डे हो रहे हैं, जिससे नदी का सौंदर्यीकरण बिगड़ रहा है। अब मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि नदी के अस्तित्व को बारे में दिखाया जाए, जिससे इस नदी में गहरे गहरे खड्डे हो चुके हैं। इसे स्पष्ट रूप से दिखाया जाए कि गहरे खड्डों से नदी का सौंदर्यीकरण बिगड़ रहा है और नदी अपने आप में भी प्रभावित हो रही है। समय रहते हुए प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो नदी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अब इस नदी के जो हम क्षेत्र में खड़े हुए हैं, नदी के मध्य में खड़े हैं, उसमें गहरे गहरे खड्डे हो गए हैं। हालांकि बजरी की स्वीकृति कोटड़ी क्षेत्र में हुई है, जिसमें महेंद्र सिंह राजावत के नाम से लीज की स्वीकृति हुई है, परंतु बेखौफ होकर मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी बेखौफ होकर बजरी माफिया इसका खनन हो रहा है, जिससे सरकार को राजस्व स्वीकृति होने के बाद राजस्व नुकसान हो रहा है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसमें गहरे गहरे खड्डे 7 से 8 फीट 10 से 11 फीट तक के गहरे खड्डे हो गए हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मुख्य रूप से जल संसाधन विभाग को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे नदी का सौंदर्यीकरण बिगड़ा नहीं जा सके। ऐसे में अब समय रहते हुए प्रशासन को जागना होगा। हालांकि महेंद्र सिंह राजावत नाम से जो लीज की स्वीकृति हुई है वो भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी क्षेत्र में हुई है, जो नियमानुसार सही चल रही है, परंतु उसकी आड़ में जो बजरी माफिया है वो बेखौफ होकर मांडलगढ़ क्षेत्र में जो अभी लीज की स्वीकृति नहीं हुई है उसमें भी बजरी का अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे नदी में गहरे गहरे खड्डे हो गए हैं। जो कैमरा मैन को स्पष्ट दिखाऊंगा कि ये बताइए कि इस गहरे खड्डे में जहां मैं खड़ा हूं तो वहां गहरे खड्डे हो गए हैं। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें। न्यूज टीवी इंडिया पर।